जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। तो किसानों ने मोदी सरकार की दुखती रग पर हाथ रख दिया है, यानी कि उनकी कमजोर नब्ज को उन्होंने पकड़ लिया है। और कमजोर नब्ज से मेरा क्या अर्थ है वो आपको किसानों के नारों से स्पष्ट हो जाएगा। क्या है किसान का ताजा नारा आपके स्क्रीन पर? सरकार की असली मजबूरी, अडानी अंबानी जमाखोरी। जी हां, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की किसानों ने, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास बात उभर कर आई। उसमें यह बात उभर कर आई कि ये तीन चेहरे जो आपके स्क्रीन पर हैं, अडानी, मुकेश अंबानी और रिलायंस के अनिल अंबानी, किसान अब इन उद्योगपतियों पर हमला करेंगे और उसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि राहुल गांधी पहले ही मोदी सरकार को सूझबूझ की सरकार कह चुके हैं, जिसको लेकर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही रक्षात्मक मुद्रा में थे। तो अब किसानों ने सरकार की कमजोर नब्ज पकड़ी है। मगर जो आज मैं आपको बतलाने वाला हूं वो ये कि इसके मायने क्या है, नंबर एक। नंबर दो, अब से ही भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही जहरीला और न्यूनतम प्रोपेगेंडा किसानों के खिलाफ शुरू कर दिया है, और वो समझने के लिए आपको स्क्रीन पर देखना होगा इस शख्स को। यह है केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे। इन्होंने बुधवार को क्या बयान दिया वो गौर करने लायक है। आपके स्क्रीन पर केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने बुधवार को दावा किया कि तीन नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर जारी किसान विरोध प्रदर्शनों के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उसी चिरपरिचित तुरुप के पत्ते को फेंक दिया है, चीन और पाकिस्तान। यानी कि किसानों को बदनाम करने का एक नया शिगुफा औपचारिक तौर पर, क्योंकि ये शख्स जो हैं वो मंत्री हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं और वो इस तरह की बातें कह रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या किया इस पर गौर कीजिएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि संशोधित नागरिकता अधिनियम CAA और NRC को लेकर पहले मुसलमानों को गुमराह किया गया था, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अब किसानों को बताया जा रहा है कि नए कानूनों के कारण उन्हें नुकसान होगा। दानवे ने महाराष्ट्र के जालना जिले के बदनापुर तालुका में कोल्टे तकली स्थित एक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन के दौरान यह बात कही। यानी कि किसान गुमराह, मुसलमान गुमराह। और आप जानते हैं ये इस सरकार का एक चिरपरिचित अंदाज रहा है। आपके स्क्रीन पर त्वरित अंदाज में आपको बतलाऊंगा कि हर कोई गुमराह है जो कि बीजेपी के खिलाफ जो है स्टैंड लेता है। मसलन जब नोटबंदी को लेकर बात आई थी, जिसके चलते पूरे देश की अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी हो गई, उसको लेकर क्या कहा था प्रधानमंत्री ने कि विपक्ष जो है वो लोगों को गुमराह कर रहा है। GST को लेकर आपके स्क्रीन पर विपक्ष जो है लोगों को गुमराह कर रहा है। नागरिकता बिल पर, CAA पर, यहां पर गुमराह किया जा रहा है मुसलमानों को। बात यहां नहीं रुकती, और वन रैंक वन पेंशन पर विपक्ष सेना को गुमराह कर रहा है। अरे भाई, पूरा प्रोपेगेंडा तंत्र आपके साथ है, बावजूद इसके किसान गुमराह हो रहा है। 24 घंटे न्यूज चैनल्स में विपक्ष को गाली दी जाती है, उन्हें एंटी नेशनल बताया जाता है, और आप जो हैं राष्ट्रवादी हैं, बावजूद इसके गुमराह जो है वो किसानों को विपक्ष कर रहा है। इसका मतलब मीडिया ने जो आपको इतने बड़े आसमान तक पहुंचा दिया, इस तमाम मेहनत के बावजूद, इस सुपारी के बावजूद किसानों पर को आप पर एतबार नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि आपके कामकाज में कहीं ना कहीं कमी है। मगर कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि वजह क्या है, आखिर वजह क्या है कि इन तीन चेहरों को निशाना बनाया जा रहा है, अडानी, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। मैंने कहा कि कहीं ना कहीं किसान ने सरकार की कमजोर नब्ज को पकड़ लिया है, और क्यों मैं आपको बतलाता हूं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे मुकेश अंबानी की, और उसके लिए हाल ही में छपी द वायर की इस रिपोर्ट, रोहिणी सिंह द वायर की इस रिपोर्ट पर आपको गौर करना पड़ेगा। रिपोर्ट क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर। पीटर मुखर्जी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय को बताया था मुकेश अंबानी परिवार के पास था INS
INX मीडिया का स्वामित्व। यह खबर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। साल 2018 में ईडी को दिए गए एक चौंकाने वाले बयान में आईएनएक्स मामले के मुख्य आरोपी और पूर्व टीवी एग्जीक्यूटिव पीटर मुखर्जी ने दावा किया कि घूसखोरी कांड के केंद्र में रही आईएनएक्स मीडिया का स्वामित्व मुकेश अंबानी और उनके परिवार और दोस्तों के पास है। मुखर्जी उस मामले में आरोपी हैं जिसमें पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति पीटर और उनकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर जेल भेजे गए हैं। पीटर ने ईडी को यह भी बताया कि अंबानी चिदंबरम और उनके बेटे के साथ सीधे संपर्क में थे और उनकी रिलायंस के साथ उनकी दैनिक सौदेबाजी और उनके एग्जीक्यूटिव के द्वारा हुआ करती थी। यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने क्या कहा कि चिदंबरम ने रिश्वत ली। अब पीटर मुखर्जी वायर की इस रिपोर्ट के मुताबिक पीटर मुखर्जी यह भी कह रहे हैं कि चिदंबरम का लगातार संपर्क बना हुआ था मुकेश अंबानी के साथ। तो सवाल यहां पर यह है कि अगर रिश्वत लेना गुनाह है तो क्या देना गुनाह नहीं है? या फिर 2014 के बाद मायने ही बदल गए हैं रिश्वत लेने देने के? यह बात किसी और ने नहीं, वायर की इस रिपोर्ट के मुताबिक पीटर मुखर्जी ने ईडी को दिए थे। तो ईडी ने आखिर मुकेश अंबानी साहब को क्यों नहीं बुलाया? और यही इस बात का प्रमाण है कि मुकेश अंबानी का रुतबा जो है वो बहुत ऊंचा है। और यही नहीं, साल 2019 की फोर्ब्स की रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर दोस्तों, फोर्ब्स के मुताबिक मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 51.4 अरब डॉलर यानी 3.7 लाख करोड़ रुपया। दूसरे स्थान पर गौतम अडानी जिनकी संपत्ति की कीमत है 15.7 अरब। और क्या आप जानते हैं कि फोर्ब्स की रिपोर्ट यह भी बता रही थी कि इन दोनों की जो नेटवर्थ है यानी कि ये पिछले 5 सालों में इनकी जो संपत्ति है वो दुगनी हो गई है। इस देश में आप खुद जानते हैं कि इस देश का जो आम इंसान है पिछले 45 साल की सबसे खराब रोजगार को लेकर स्थिति का सामना कर रहा है। बेरोजगारी को लेकर 45 साल में सबसे खराब हालात हैं। यही नहीं, एक रिपोर्ट यह भी आई थी कि पिछले 45 सालों में जो गरीब है, गांव का रहने वाला, वो जरूरी चीजों पर कम खर्चा कर रहा है, सबसे कम खर्चा कर रहा है। मगर मुकेश अंबानी साहब हो या गौतम अडानी साहब हो, इन दोनों की जो आय है या जो उनकी संपत्ति है वो लगातार बढ़ रही है। किसान इस बात को देख रहा है। अब गौर किया जाए गौतम अडानी पर। अडानी साहब की बात पर गौर करने के लिए आपको रुख करना पड़ेगा इकोनॉमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट पे। ये खबर क्या कहती है दोस्तों? ये खबर ये कहती है कि भारतीय नेवी ने 45,000 करोड़ की एक परियोजनाओं को लेकर टेंडर जारी किए थे, बिड जारी किए थे। अडानी ग्रुप के पास इस मुद्दे को लेकर कोई तजुर्बा नहीं है, मगर उन्होंने इस मुद्दे में बिडिंग कर दी, दावा खेल दिया। आप बताइए ना, जिस चीज को लेकर आपके पास कोई तजुर्बा नहीं है उस चीज को लेकर आप बिडिंग कर रहे हैं। यह इकोनॉमिक टाइम्स में मनु पब्बी की रिपोर्ट थी। बात यहां नहीं रुकती, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। गूगल पर जाइए और गूगल पर जाके सर्च कीजिए कि पिछले 5 सालों में हमारे देश में जो बंदरगाह हैं या एयरपोर्ट्स हैं, सबसे ज्यादा करार किस औद्योगिक समूह को दिए गए हैं? जवाब है अडानी साहब। जी हां, स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स से लेकर एयरपोर्ट से लेकर बहुत बड़ी तादाद में इन्हें हमारे जो हैं करार दिए गए हैं, चाहे स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स हो चाहे बंदरगाह। किसान इस बात को समझता है। अब गौर कीजिए दोस्तों इस तीसरे चेहरे पर, इनका नाम है अनिल अंबानी। क्या आप जानते हैं कि अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस का करार हुआ है रफाल समझौते में? अब इसको लेकर फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला ने क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला ने कहा था कि जिस फ्रांसीसी कंपनी डासॉ का करार हुआ था भारत सरकार के साथ, उसे अपनी पार्टनर चुनने की आजादी नहीं थी और उस पर दबाव बनाया गया था कि वो अनिल अंबानी की कंपनी को चुने। यही नहीं, डासॉ ने अनिल अंबानी की एक इनएक्टिव फर्म में शेयर्स खरीदे जिसके चलते उसे 284 करोड़ का फायदा हुआ था। फ्रांसवा ओला के मुताबिक, जो उन्होंने मीडिया पार्ट को इंटरव्यू दिया था, फ्रांसवा ओला के मुताबिक आजादी नहीं थी उनके पास,
डासो के पास आजादी नहीं थी कि वो भारत में अपने साझेदार अपने पार्टनर को खुद चुन सके। अब आपको बात समझ आई कि किसान इन तीन चेहरों को क्यों पर क्यों हमला कर रहा है, क्योंकि पिछले 5 सालों में इन तीन ताकतवर उद्योगपतियों पर एक तरह से कहा जा सकता है कि मोदी सरकार की पूरी छत्र छाया है। जी हां, पूरी छत्र छाया, और इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते। यही वजह है दोस्तों वो ये नारा लगा रहा है जो इस वक्त आपके स्क्रीन्स पर है, सरकार की असली मजबूरी, अडानी अंबानी जमाखोरी। और अब मैं जानता हूं आपके जहन में सवाल होगा कि इस मुद्दे का राजनीतिक नुकसान मोदी सरकार को होगा या नहीं होगा। देखिए, आपको याद होगा कि जब शाहीन बाग आंदोलन हुआ था नागरिकता बिल को लेकर, तो सरकार ने आंदोलनकारियों से संवाद तक नहीं किया था। क्यों संवाद नहीं किया था? क्योंकि बीजेपी को मुसलमान वोट्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ठीक है, उसे लगता है कि मुसलमानों को जितना निशाना बनाया जाए उसे उतना ही फायदा वोट के मामले में होगा। मगर आप जानते हैं कि किसानों से सरकार लगातार बातचीत कर रही है। अब ये किसान क्या करने जा रहा है, वो तमाम मुख्यालयों में भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यालय हैं, तमाम जिलों में भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है उसे घेरने जा रहा है, उसकी घेराबंदी करेगा। और ये अपने आप में बीजेपी के लिए कोई सुखद खबर नहीं है। दिल्ली जयपुर, दिल्ली आगरा के हाईवे को भी ब्लॉक किया जाएगा। इसका नुकसान क्या होगा, उसके लिए आपको इस तस्वीर पर गौर करना पड़ेगा। कल राहुल गांधी और सीताराम येचुरी, कहा जाए कांग्रेस वामपंथी दल और विपक्ष के कई दल राष्ट्रपति से मिलने गए। राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए मोदी सरकार पर कहा कि आप किसान की ताकत को अनसुना नहीं कर सकते। सुनिए राहुल गांधी को। ये जो बिल पास किए गए हैं ये किसान विरोधी बिल हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए हैं। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है, किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है, और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है। किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है, और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिया जाए। सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। अब आपके जहन में सवाल ये होगा कि विपक्ष लामबंद हो रहा है, किसान सड़क पर है, इसका फायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि मोदी सरकार डरी हुई है, यही वजह है कि वो उससे लगातार संवाद कर रही है। मगर हकीकत यह भी है कि सरकार के पास एक तुरुप का पत्ता है। जब भी कोई उसके खिलाफ प्रदर्शन करता है तो उसे देशद्रोही बता देना, क्योंकि चाहे जेएनयू हो, चाहे छात्र हो, चाहे नागरिकता बिल हो, इनके पास एक ही तुरुप का पत्ता है कि भाई सामने वाले को देशद्रोही बता दो, एंटी नेशनल बता दो, पाकिस्तानी बता दो। और यही कोशिश किसानों के साथ की गई, ये कहकर कि इसके पीछे खालिस्तान है, ये खालिस्तान के मोहरे बन गए हैं, और इसमें इन्हें साथ किसी और का नहीं बल्कि मुख्य धारा की मीडिया का मिला था। मगर ये इतना आसान नहीं है, और वो क्यों मैं आपको बतलाना चाहता हूं। सबसे पहली बात, इस वक्त जो आंदोलनकारी है उसे इन तमगों की कोई परवाह नहीं है। इसके अलावा वो जानता है कि वो पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। उसे क्या चाहिए, वो पूरी तैयारी के साथ है, और वो प्रमाण इस बात का है कि कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिसके जरिए उसने उद्योगपतियों को, तीन खास उद्योगपतियों को निशाना बनाया, वो इसका जीता जागता प्रमाण है कि वो पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा है। और क्या बीजेपी को चिंता होनी चाहिए, उसके लिए मैं आपका ध्यान कुछ स्थानीय चुनावों की तरफ खींचना चाहूंगा। राजस्थान के स्थानीय इकाई के चुनाव हुए, जिला पंचायत और जिला परिषद के। यहां पर बीजेपी को जीत मिली है, और आप जानते हैं कि जिला पंचायत और जिला परिषद में कौन लोग वोट देते हैं। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान का किसान भारतीय जनता पार्टी से खुश है? बिल्कुल एक जवाब यह हो सकता है।
दूसरा जवाब यह हो सकता है कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत सरकार के कामकाज से वहां के लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि लगातार इस बात की शिकायतें मिल रही हैं कि जो उनके विधायक हैं या उनके जो नौकरशाह हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इस चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा खुद कांग्रेस राजस्थान के अंदर दो फाड़ है, क्योंकि टोंक जहां से ये शख्स सचिन पायलट विधायक है वहां पर भी बीजेपी को ज्यादातर सीटें मिली हैं। तो एक तो यह प्रमाण सामने आपके है कि राजस्थान में बीजेपी की जीत यह बतलाती है कि किसान उससे नाराज नहीं, मगर आपको रुख करना पड़ेगा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का। बनारस में जब विधान परिषद के चुनाव होते हैं तो यहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है। बनारस जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है, तो यह क्या जतलाता है। फिर हम रुख करते हैं महाराष्ट्र का, वो नागपुर जहां के स्थानीय चुनावों में पिछले 10 सालों से बीजेपी को कोई हिला नहीं सका था, वो नागपुर जो कि आरएसएस का गढ़ है, वो नागपुर जहां से नितिन गडकरी सांसद हैं, वो नागपुर जो कि गृह क्षेत्र है देवेंद्र फडणवीस का, वहां पर उन्हें स्नातक और टीचर्स चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। जी हां, 6 में से 5 सीटें जो हैं वो अघाड़ी यानी कि जो गठबंधन है इस वक्त उन्हें मिली, ये क्या बतलाता है। तो ये तमाम अपने आप में प्रमाण है कि इस वक्त हम इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि इसका फायदा या नुकसान मोदी सरकार को मिलेगा या नहीं मिलेगा। यही नहीं, जैसे मैंने कहा ना, ये सरकार किसी भी हद तक जा सकती है वोट हासिल करने के लिए, और इसकी कोशिश भी इन्होंने की किसान आंदोलन से पहले उन्हें बदनाम करके, मगर वो शिगुफा काम नहीं आया। और यही वजह है कि इन्हें इस मुद्दे पर संवाद का रास्ता अपनाना पड़ा। मगर चूंकि तमाम स्रोत तमाम ताकत सरकार के हाथ में है, अब देखना है ये कि आने वाले दिनों में पूरा जो रुख है, पूरा जो राजनीतिक घटनाक्रम है, वो किस ओर बढ़ता है। तो बोल के लब आजाद है तेरे में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि मेरे इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए अपने दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जो पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित हैं, हम गोदी और पालतू मीडिया के प्रोपेगेंडा को धराशायी कर सकें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। We'll be right back.